में भीषण और उमस भरी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। गर्मी लोगों को अपना शिकार बना रही है, उन्हें बीमार कर रही है। इस समय लोग हीट स्ट्रोक का नहीं बल्कि डायरिया का शिकार हो रहे हैं। डायरिया को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन ने भी उचित व्यवस्थाएं कर रखी हैं, लेकिन जिला अस्पताल इस समय कुछ चिकित्सकों की कमी से जरूर जूझ रहा है। आगरा के जिला अस्पताल में डायरिया के मरीजों की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। भीषण और उमस भरी गर्मी का सबसे ज्यादा शिकार छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, उन्हें डायरिया अपनी चपेट में ले रहा है। जिला अस्पताल के CMS AK अग्रवाल ने बताया कि जिन लोगों में डायरिया के लक्षण हैं उन्हें OPD में उचित परामर्श में दवा देकर घर भेजा जा रहा है, लेकिन जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है उन्हें तुरंत वार्ड में भर्ती किया जा रहा है, उचित इलाज भी दिया जा रहा है। दवा दे रहे हैं, इसे जरूरत पड़ेगी तो भर्ती करके ड्रिप भी लगाएंगे, ORS का पैकेट भी दिया जाता है, एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं इसको। सर अभी तक कितने मरीज हैं डायरिया के जिला अस्पताल में? सर ये रोजाना आते हैं चले जाते हैं, लगभग इस समय भी 15-20 मरीज भर्ती हैं हमारे पास इमरजेंसी और वार्ड्स में, और OPD वाले मरीज दवा खाने से ठीक हो जाते हैं तो उनको हल्के भेज दिया जाता है। सर कैसे पता चलता है कि लोगों में डायरिया है, लोग कैसे पहचान इसकी कर सकें, जागरूकता? एक डेफिनेशन दिया डायरिया की, एक दिन में 3 दिन से ज़्यादा आपको दस्त मतलब पेट साफ होता है तो उसको डायरिया माना जाएगा जी। एक डेफिनेशन है, तो ये तो कई कई बार वाले हैं तो इससे पहचान लेते, मरीज खुद भी समझता है कि सब दस्त हो गया है, बार बार जाना पड़ रहा है, पानी की कमी कमजोरी वगैरह लगने लगती है। तो बच्चे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं सर? बच्चे ज़्यादा आते हैं सर, ये थोड़ा सा बच्चों को ये है कि दवाई वगैरह दे नहीं सकते, उनको ड्रिप भी लगानी पड़ती है, इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। सर किस तरह से व्यक्ति से उपचार के दौरान किस तरह की हिदायत बदल सकता है और क्या? सर ये बाजार की चीज़ें नहीं है, पानी उबाल के पी लें, सब में बरसात का मौसम चालू हो गया है, मक्खियाँ नहीं हो घर में, मच्छर नहीं हो, इनको देखने का ध्यान रखना है आपको, खाने पीने पर विशेष ध्यान रखेंगे तो दस्त भी हो डायरिया नहीं होगा।